नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए एक न्यूज़ और अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ समय पहले ये न्यूज़ आई थी कि तमिलनाडु के स्टेट में जो एडीएमके पार्टी है, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह कहा था कि अगर वो जीत जाते हैं इलेक्शन इस बार तो नीट के एग्जामिनेशन कैंसिल कर देंगे तमिलनाडु के स्टेट में। तो यहाँ पर मेरे पास उसी के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एडीएमके ही नहीं, जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने भी यह प्रॉमिस किया था इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो नीट के एग्जामिनेशन को हटा देंगे तमिलनाडु के स्टेट में। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग पीयूष गोयल ने कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि वी विल सर्टेनली लुक एट द रिक्वेस्ट ऑफ एडीएमके, विल कंसिडर इट वेन वी फाइंड मेरिट इन एनी इशू, वी आर ओपन माइंडेड, will respect promise made by ADMK and we will examine it with full sincerely। तो पीयूष गोयल ने नीट के एग्जामिनेशन के बारे में यह कहा है कि अगर ADMK ने अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में वादे किए हैं तो उनको फुलफिल करने की कोशिश ADMK तो ज़रूर करेगी, लेकिन पीयूष गोयल और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह भी कोशिश करेंगे अगर पॉसिबल हो, अगर उनके पास कोई रीज़न हो, वजह हो कि नीट के एग्जामिनेशन क्यों हटा रहे हैं, तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी मदद करे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं किया है, उन्होंने बस ऐसा कहा है कि ओपन माइंडेड रहेंगे और अगर मेरिट होता है, यानी उन्होंने जो वादे किए हैं उनमें कोई रीजनिंग रहती है तो फिर उनकी बात मानेंगे। और ऐसा भी लिखा है, वी विल रिस्पेक्ट प्रोमिसज मेड बाय ADMK एंड वी विल एग्जामिन, यानी वो लोग चेक भी करेंगे कि वो जो बता रहे हैं वो सभी सही हैं या नहीं। तो वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।